हाय गाइज, हम भी इस वीडियो में बेसिकली अमेजोन और फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक आपने स्मार्टफोन नहीं लिया है और एक एक चीपेस्ट प्राइस में एक बेस्ट फोन को आप लेना चाहते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे आपको बेस्ट डील देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन के बारे में। यदि आप एक अच्छा और न्यू पोर्टेबल स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन से स्मार्टफोन आपको इसमें लेने चाहिए, कौन कौन से यदि आप स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको इसमें फायदे होंगे, और कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन लेते हैं जिनको आपको लेने से नुकसान होगा। सो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हो, मैं आपको मेरे इस लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या होना चाहिए। आप देर मत कीजिए, इस वीडियो को फुल्ली देखिए। आपके पास सिर्फ एक दिन टाइम है सोचने के लिए टाइम है, तो आप इस वीडियो को फुल्ली देखिए और इसके बारे में पूरे जान लीजिए, उसके बाद आप किसी सामान को खरीदिए। तो इसके लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार सिंह एंड यू आल्सो वाचिंग टेक्निकल पीयूष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या सेल देखने कैसे कैसे सेल देखने को मिल जाता है इस फ्लिपकार्ट और दोनों अमेजोन पे। मैंने दोनों साइट को ओपन करके रखा है और मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि किसमें आपको कैसे प्राइस में कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट में आपको जो सेल देखने को मिलेगा वो सेल का नाम होगा द रिपब्लिक डे सेल। आप यहाँ देख सकते जो कि चलेगा 20 जनवरी से 22 जनवरी तक। आप देख सकते हैं, देर ना करें, इस वीडियो को फुल्ली देखें और आप जो भी खरीदना है आप सेल कर लें, पहले इससे पहले आप इस वीडियो को फुल देखें। इस सेल में आपको सब चीज़ में आपको छूट देखने को मिलेगा, सब चीज़ में आप जिसमें भी देख सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में आपको भारी छूट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे स्मार्टफोन है, आपको यहाँ मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या कितने कितने परसेंट आपको छूट देखने को मिलेगा और कौन कौन से आपको मोबाइल को लेना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उससे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यदि आप फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट प्राइस में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SBI का कार्ड रहना जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा यदि SBI का क्रेडिट कार्ड है आपके पास तब। और यदि बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन का जो सेल लगा उसे ग्रेट इंडियन सेल के नाम से दिया गया और ये भी चलेगा आपको, ये भी सेल 20 से 23 जनवरी तक चलेगा। इस सेल का प्रारंभ 19 जनवरी से ही हो गया है, तो उनके प्राइम मेंबर है तो आपको इस सेल का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इसमें भी आपको सब प्रोडक्ट पे काफ़ी छूट मिलेगी, लेकिन आप कुछ और छूट पाना चाहते हैं, उस छूट में भी आप छूट पाना चाहते हैं ये, तो उसके लिए आपको HDFC बैंक का आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, या आपका HDFC बैंक में खाता होना जरूरी है, जिससे आप ई एम आई पे भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें भी। और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो अब आते हैं हम फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट पे पहले हम बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट पे आते हैं तो ये आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता था। और इसमें हम बात करते हैं, हम सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात हम बात करते हैं कि जब आप कोई भी मोबाइल इससे परचेस कीजिएगा, चाहे आप किसी भी मोबाइल को परचेस कीजिए, वो मायने नहीं रखता है कि वो आपका हाईली प्राइजेबल हो या लोली प्राइजेबल हो, सबके लिए ये लागू किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि 70 रुपया का आपको मोबाइल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन फ्रॉम 70 रुपीज़। आपको 70 रुपीज़ में ही पूरे मोबाइल को प्रोटेक्शन दे। हो सकता है जब आपने मोबाइल खरीदे और खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल चोरी हो जाए या मोबाइल खो जाए या टूट जाए, जो कि तो आप इस 70 रुपये में ही एक चमचमाती हुई मोबाइल को आप परचेज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसके लिए आप 70 रुपया खर्च करके आप कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन को आपको इसमें जो जो स्पेसिफिकेशन जरूरी है आप इसमें जाके चेक कर लीजिएगा और आप इसमें जाके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं मोबाइल में आपको क्या क्या इसमें सेल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आपको छूट देखने को मिलती है Realme 2 Pro को देखने को मिलता है, जो कि 8 GB का वेरिएंट है। देख सकते हैं आप Realme, जिसका कि दाम आप यदि मार्केट में पहले लेने जाते हैं तो आपको 15,000 के आसपास पड़ता है, जो कि अभी आपको 13,000 के आसपास मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इसमें ड्रॉप डॉट नॉच डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले पे ड्रॉप डॉट नॉच देखने को मिल जाता है। और यदि कैमरे की बात करें तो इसमें डबल रियल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें प्रोसेसर की बात करें तो यह स्नैपड्रैगन का 660 आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक प्राइजेबल फोन हो सकता है इस रेंज में, आपको काफ़ी इसमें छूट देखने को मिल जाती है, क्योंकि 13,000 में इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको यदि रियलमी फ़ोन दे रही है अमेजोन पे, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इसे परचेज कर सकते हैं बिना बिंदास। तो हो गई 13,000 आपको कुल कार्ड छाट के पड़ा। और जब आप इसे SBI के क्रेडिट कार्ड से, यहाँ आप देख सकते हैं SBI के क्रेडिट कार्ड से आप जब इसमें पैसा पे कीजिएगा तो आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो आपको छूट मिला उसमें भी छूट मिलेगा। मैंने आपको कहा था ना पहले कि आपको छूट में भी छूट मिलेगा, तो ये 13,000 का भी आपको 10% मिलेगा। तो आप जोड़ दीजिए कि 13,000 का भी 10% जितना होता है उतने में आपको ये
फोन देखने को मिल जाएगा। दूसरी फोन की बात करते हैं, दूसरी फोन आपको रियलमी C1 देखने को मिल जाता है, जो कि यदि आप पहले उसे परचेज करते हैं तो 9000 में मिलता है, लेकिन अभी ये 7000 में मिल रहा है, और 7000 में भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा यदि आप SBI क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो। और उसमें यदि हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको डुअल रियल कैमरा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 4230 mAh के देखने को मिल जाता है। तो एक काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है यदि आप इसे 7000 के अंतर्गत लेना चाहते हैं। ये 7000 में आप पहले Xiaomi में जाते थे और Xiaomi का फ़ोन लेते थे, जैसे कि 6 ए सब वो सब लेते थे, तो उससे काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको नॉच भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। अब हम आते हैं तीसरी फोन की ओर। तो तीसरी फोन में पहले आप देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, डोंट कॉस्ट EMI अवेलेबल। ये आपको EMI पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको EMI सर्विस प्रावधान नहीं है। तो इस Samsung S8 में आपको 5.8 का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि क्विट HD होगा, और डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी प्राइस यदि आप मार्केट में ऐसे लेना जा रहे हैं तो आपको 49 यानी कि कुल मिला के आपको 50000 पड़ जाएगा। और यदि आप इसे यदि लेते हैं तो आपको 30,000 से 31,000 के लमसम में पड़ जाएगा, और उसमें भी 10% डिस्काउंट यानी कि आपको 30,000 के लमसम में ये मोबाइल देखने को मिल जाएगा। यदि आप इस अभी लेना चाहते हैं तो आप लूट लीजिए। यदि पहले आप लो बजट में एक अच्छे स्मार्टफोन को नहीं ले पाते थे तो अभी आपको मौका है, आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 2 कैमरा पीछे में देखने को मिल जाता है, 1 कैमरा आपको आगे में देखने को मिल जाता है, वो भी रियलमी C1 और रियलमी का ब्रांड आपको 7000 में सिर्फ देखने को मिल जाता है, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट, तो यानी कि आपको 6000 में ये देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा डील है। और मैं आपको बता दूँ कि आप यदि अमेजोन से लेने जाते हैं तो अमेजोन से काफ़ी सस्ता आपको यहाँ फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा। तो हम अभी अमेजोन भी जाएंगे और अमेजोन की बात करेंगे। 2 का जो कि आपको इसके रैम देखने को मिल जाएगा 4GB का, इसमें रेटिंग जो दी गई है 4.4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि इससे पता चलता है कि यह फोन काफ़ी चला था और काफ़ी सक्सेसफुल था। और इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें आपको बैटरी जो इसमें रियलमी C1 में देखने को मिलता था 4230 आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा, और पीछे में डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक बात यह है कि आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको रियलमी 2 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये आपको यदि आप ऐसे मार्केट से परचेज करना चाहते थे तो आपको 10000 में पड़ता था, लेकिन आपको ये करीब 9.5 हज़ार में पड़ जाएगा, इसमें भी 10% डिस्काउंट कर दे तो आपको 8.5 हज़ार में ये पड़ जाए। अब हम बात करते हैं इस सैमसंग के फ़ोन की, जिसका कि मॉडल आपको देखने को मिल जाता है Galaxy On 6, जिसमें आपको रैम देखने को मिल जाएगा 4GB और रोम देखने को मिल जाएगा 64GB, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल इन्फिनिटिव डिस्प्ले है। आपको इसमें आपको इन्फिनिटिव डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यदि आप सैमसंग के कर्व डिस्प्ले को लेना चाहते हैं और आप ज़्यादा प्राइस भी पे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कर्व डिस्प्ले, जो कि यदि आप ऐसे पहले परचेज करने जाते हैं तो आपको ये सब कुल मिला के 15,500 में पड़ता था, आप यहाँ देख सकते हैं 15,500 में। और अभी आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये 10,000 में पड़ जाएगा, और 10,000 में 10% डिस्काउंट यानी कि 9,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने जो आपको वीडियो में बोला था कि हम ऐसे भी फ़ोन के बारे में बात करेंगे जिसे आपको परचेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको घाटा लग जाएगा। तो हम आते हैं इस फोन में Honor 10 Lite। यदि आप इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो Honor 10 Lite पे बनाई है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, ये कब लॉन्च होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपको 24 मेगापिक्सल AL सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये सेल स्टार्ट होगा डायरेक्ट, ये ऑनलाइन सेल स्टार्ट होगा। आप ये चाइना में लॉन्च हो गया लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहाँ लॉन्च होगा और उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यदि हम इसके स्पेसिफिकेशन के साथ इसके प्राइस की तुलना करें तो कुछ आपको प्राइस हाई देखने को मिल जाता है, तो इसकी कुछ प्राइस आपको कम रखनी चाहिए। अब जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है 13,999 रुपया, ये इसका फुल फाइनल प्राइस रहना चाहिए। सेल में इसे 10,000 के लमसम में देना चाहिए, लेकिन इसका कुछ प्राइस अधिक है, इसीलिए आपको इतना ही दाम में इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देने वाले आपको फ़ोन मिल जाएंगे। और तो ये तो होगी, आप यहाँ देख सकते हैं आपको Oppo F1 भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ आपको बात करते हैं जो कि PS आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा Poco का F1। ये एक बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है। आपको इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 845 देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी हाई प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आप PUBG को आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 3 ग्रेडियंट में, पहला ग्रेडियंट आपको 664 का मिल जाता है, दूसरा ग्रेडियंट आपको 6128 का मिल जाता है, और तीसरा ग्रेडियंट आपको मिल जाता है 8256 का। हम 664 के प्राइस की बात करें तो आपको ये पहले 21,000 में देखने को मिल जाता था, ओवरऑल बात करें तो 21,000 या 22,000 देखने को मिल जाता था, लेकिन अब ये आपको 19,000 में देखने को मिल जाएगा, उसमें भी 10% डिस्काउंट यानी कि आपको ये 17,000 में देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करें इसी के दूसरे वेरिएंट फ़ोन की, तो ये आपको 6 128 GB वाला ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है, जिसकी कि पहले प्राइस थी 25,000, जो कि आप अभी आपको 22,000 देखने को मिल जाता है, और उसमें भी 10% डिस्काउंट यानी कि 20,000 देखने को आपको मिल जाता है।
और यदि हम बात करें इसके तीसरे वेरिएंट की, तो तीसरे वेरिएंट में आपको 8 GB रैम और 256 GB रोम देखने को मिल जाता है, जो कि इसे पहले प्राइस की बात करें तो पहले प्राइस आपको देखने को मिल जाता था 31,000, और ये अभी जो आपको सेल में मिलेगा ये आपको 26,000 में देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी 10% डिस्काउंट यानी कि 24,000 में देखने को मिल जाएगा। तो आपको काफ़ी सारे फ़ोन इसमें देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे भी हैं, और आप इसे पहले रिसर्च कर लीजिएगा उसके बाद आप इसे देखिएगा। तो आप इसमें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यदि आप फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको उसमें भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा, 1,000-2,000 ऐसे भी मिलेगा। ये तो हो गए फ्लिपकार्ट में मिलने वाली फ़ोन के बाद, जो कि काफ़ी अच्छा आपको ऑफर दे रही है, तो आप यदि लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारे देश को रिपब्लिक बने हुए 70 साल हो गए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आते हैं हम अमेज़न की ओर, तो अमेज़न में आते हैं तो अमेज़न में अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्रैंड इंडियन सेल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 20 से लेके 23 जनवरी तक आपको देखने को मिल। यदि आप छूट पे भी 10% का छूट लेना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वहाँ अकाउंट बना होना चाहिए, जिससे कि आप उसमें MI पे ले सकें। और यदि बात करें इसमें आपको कौन कौन से फ़ोन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार के ऐसे ऐसे फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, बहुत फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ 11,000 का है या आपको 8,000 में देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको कम ही फ़ोन देखने को मिलते हैं। आपको यदि फ़ोन परचेज करना है तो मैं तो कहूँगा कि आप या फ्लिपकार्ट से ही, बहुत सारे फ़ोन हैं, आप यहीं में किसी को ले लें, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि आप अमेज़न के प्राइम मेम्बर है तो आपके लिए सेल स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो ऑलरेडी प्राइम मेंबर है उसको, जो कि अदर को सेल स्टार्ट होगा 20 जनवरी को, लेकिन प्राइम मेंबर का सेल स्टार्ट होगा 19 जनवरी को, तो 19 जनवरी से ही आप सेल का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाता है, बहुत फ़ोन मिल जाता है, LCD मिल जाता है, आप जैसे भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड TV जो कि TCL का आता है, इसका यदि हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस आपका 1,50,000 में मिल जाएगा, जो कि यदि आप अभी इस सेल के दौरान परचेज करते हैं तो आपको इसमें 73,990 रुपये सिर्फ लगेंगे, और आपको 1,50,000 का LCD प्राप्त हो जाएगा, उसमें भी आपको 10,000 का कैशबैक मिलेगा। और यदि आप इसे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या EMI पे लेते हैं तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि यदि हम ओवरऑल बात करें तो ये आपको 70,000 के लमसम में पड़ जाएगा, और उसमें भी आपको 10,000 का कैशबैक मिलेगा, तो ये आपको 60,000 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1,50,000 का आपको LCD 60,000 में, वाह अमेजिंग। यदि आपका बजट है तो आप ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 32 इंच का HD LCD आपको देखने को मिल जाता है यहाँ आपको सिर्फ 10,000 में, जो कि यदि आप मार्केट से पहले परचेज करते हैं तो आपको ये 20,000 में मिलता है, लेकिन अब यहाँ आपको 10,000 में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 51% का डिस्काउंट दिया गया है। और यहाँ ओवरऑल मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी आपको बहुत प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये 17,500 का है, इसमें 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिला है 13,999 का। और यदि हम इसे HDFC के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लेते हैं तो इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो आपको ये ओवरऑल 12,000 के लमसम में पड़ जाएगा। तो यहाँ आपको सिर्फ मोबाइल की नहीं, आपको सब पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे आपको भारी छूट मिली। तो आपने इस वीडियो में ओवरऑल मैंने आपको बेसिकली सारी जानकारी दे दी कि आपको कौन कौन फ़ोन लेना चाहिए, आपको कौन कौन फ़ोन में आपको अच्छे सब प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, और कौन कौन फ़ोन को आपको नहीं लेना चाहिए, वह सब आपको कौन कौन डिस्काउंट में देखने को मिल जाता है। आई होप गाइस कि आपको जो मैंने स्मार्टफोन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल और कुछ प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि कि आपके भी फ्रेंड इस ऑफर का लाभ उठा पाए और सब मिलके इस ऑफर का लाभ उठाए। आप यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन चले जाए और आप अपडेटेड रहें और आप उस जानकारी का लाभ उठा पाए सबसे पहले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।